अस्सलाम वालेकुम वर्ड्स, मैं हूं आपके साथ मलिक अदी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे WhatsApp Plus को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे WhatsApp Plus को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जिस तरह का मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ। जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया तो यहाँ पे मेरे पास गूगल लिखा हुआ आ गया है। तो आपने गूगल में आके सर्च करना है softgoza.com। लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर देना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, जिस तरह के मैं यहाँ पे नीचे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड WhatsApp Plus APK, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐड आ जाएगा, तो आपने ऐड को क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो आपने स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, जिस तरह का मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड WhatsApp Plus APK, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड WhatsApp Plus APK, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो WhatsApp Plus है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको डाउनलोडिंग में भी जाकर दिखा देता हूँ। तो आपने सिंपली इन तीन डॉट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इन तीन डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है WhatsApp Plus V19.41.1 APK, तो यहाँ पे जो आपका WhatsApp Plus है वो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि WhatsApp Plus यहाँ पे डाउनलोड हो जाए। तो व्यूअर, यहाँ पे हमारे पास WhatsApp Plus डाउनलोड हो चुका है, तो अब हमें इसको सिंपली इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने फाइल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉल, तो आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे भी इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो WhatsApp Plus है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने 10 से 15 सेकंड वेट करना है ताकि जो WhatsApp Plus है वो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए। तो व्यूअर, यहाँ पे जो WhatsApp Plus है वो हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है, तो आपने ओपन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो जो WhatsApp Plus है वो आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह से एक पेज आ जाएगा, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ एग्री एंड कंटिन्यू, तो आपने एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर से एक नया पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है जिस पे आप WhatsApp Plus बनाना चाह रहे हैं। जिस तरह का मैं यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया बॉक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नया बॉक्स आ जाएगा, तो आपने इसको अलाउ कर देना है, फिर से अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपके पास WhatsApp Plus की तरफ से एक कॉल आएगी, वो खुद इसको असेस कर लेगा और यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास एक नया बॉक्स ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अलाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अलाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बैकअप का ऑप्शन देगा। अगर आप अपने बैकअप को वापस लेके आना चाह रहे हैं तो आप गिव परमिशन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप स्किप के ऊपर क्लिक कर लेंगे। स्किप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये फिर से एक नया पेज ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए आपने प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गैलरी में से कोई भी तस्वीर सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद नीचे नाम आ चुका है, तो नाम की जगह पे आपने अपना नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो जो WhatsApp Plus है वो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपसे 5 से 7 सेकंड लेगा, उसके बाद आपका जो WhatsApp है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने WhatsApp को यहाँ पे जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक नया बॉक्स ओपन हो चुका है, तो आपने इसको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करेंगे तो अब आपका जो WhatsApp है वो बिल्कुल रेडी है, अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के आपके पास यहाँ पे चैट्स आ चुकी है, चैट्स के बाद आपके पास यहाँ पे ग्रुप्स आ चुके हैं, ग्रुप्स आने के बाद उसके बाद यहाँ पे स्टेटस आ चुके हैं, स्टेटस के बाद यहाँ पे कॉल्स आ चुकी हैं। आप इनका जिस तरह मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।